हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे, सब ठीक ही होने चाहिए। तो आज बच्चे हम लोग अपनी रिवीजन क्लास का सेशन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड टुडे सेशन विल बी कवरिंग द टॉपिक ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, दैट इज आरटीआई एक्ट 2005। और आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग आरटीआई एक्ट 2005 के कुछ पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो इस पर्टिकुलर रिवीजन सेशन में हम लोग ऑलरेडी 3 सेशन कवर अप कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक्स के पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसमें एक लॉ ऑफ टॉट हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक लिमिटेशन एक्ट 1963 कंप्लीट हो चुका है और एक सिविल प्रोसीजर कोड 1908 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि आज की वीडियो आरटीआई एक्ट पे होगी, तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में उसी के कुछ पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के मार्क्स की वेटेज बताऊं, तो ऐसे मान के चलिए बच्चे कि 4 to 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछा जाता है, जो अभी तक की पास्ट प्रैक्टिस रही है इंस्टीट्यूट की। हम इस चैप्टर को इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि इंस्टीट्यूट एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, बट अगर 2 क्वेश्चन भी पूछ रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छोटा टॉपिक है, ज्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है और छोटे टॉपिक में हम लोग को 2 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो मार्क्स गेन करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में भी 5 पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ आरटीआई टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को बिगिन करते हैं। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चे, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि स्पेसिफाई द मैनर इन विच रिक्वेस्ट मे बी मेड बाय अ सिटीजन टू द अथॉरिटी फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। पहला क्वेश्चन बच्चे ये है कि अगर एक पर्टिकुलर सिटीजन को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट में अगर किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो व्हाट विल बी द मैनर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। वो किस तरीके से रिक्वेस्ट फाइल करे, किसको रिक्वेस्ट फाइल करे और उसको कैसे वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं पहले अगर आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूं आरटीआई एक्ट के बारे में, तो मैं ऐसे बोलता हूं कि बच्चे जो आरटीआई एक्ट है उसमें कुछ पब्लिक अथॉरिटीज एक्सप्लेन की गई है। क्या एक्सप्लेन की गई है? कुछ पब्लिक अथॉरिटीज। और ऐसे बोला गया है कि आरटीआई की जो एप्लीकेशन लगती है वो सिर्फ इन पब्लिक अथॉरिटीज में ही लग सकती है। जो जो एंटिटीज, जो जो ऑर्गेनाइजेशंस इस पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, हम उन्हीं पब्लिक अथॉरिटीज में आरटीआई की एप्लीकेशन लगाकर कुछ इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं। आरटीआई एक तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री कि वी नीड टू नो अबाउट कि पब्लिक अथॉरिटीज में क्या चल रहा है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में क्या चल रहा है। अब आपसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू वांट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी, देन इन व्हाट मैनर यू कैन रिक्वेस्ट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच पब्लिक अथॉरिटी। आपको मैं ये बता दूं कि आरटीआई एक्ट 2005 में हर पब्लिक अथॉरिटी में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करना मैंडेटरी था। एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करना क्या था? मैंडेटरी, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं पीआईओ। हम ऐसे बोल रहे हैं कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज ऑल ओवर इंडिया हैं, उन सब पब्लिक अथॉरिटीज को हर अपने एक ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने कंपनी में एक पीआईओ अपॉइंट करना है। एंड दैट पीआईओ विल बी अ पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होगा इस पर्टिकुलर आरटीआई एप्लीकेशन के लिए। इसका मतलब कि अगर हम आप कोई भी आरटीआई की एप्लीकेशन है किसी पब्लिक अथॉरिटी में लगाते हैं, तो उस पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी में, उस पब्लिक अथॉरिटी के बिहाफ पे, उस पर्टिकुलर अथॉरिटी का पीआईओ विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसको हमारी एप्लीकेशन जाएगी। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये जो पीआईओ होते हैं ना बच्चे, ये हम 2 तरीके के बोलते हैं। एक होता है सेंट्रल पीआईओ, एक क्या होता है सेंट्रल पीआईओ, और एक होता है स्टेट पीआईओ। ये जो सेंट्रल पीआईओ और स्टेट पीआईओ है, इसमें कोई डिफरेंस है? सर, डिफरेंस बस यही है कि अगर कोई पब्लिक डिपार्टमेंट या पब्लिक अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पे वर्क कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक अथॉरिटी है, तो वहां पे जो पीआईओ होगा उसको हम सेंट्रल पीआईओ बोल देंगे। अगर कोई डिपार्टमेंट, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेट लेवल पे वर्क कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, तो इन दैट सिचुएशन जो पीआईओ अपॉइंट होगा उसको हम स्टेट पीआईओ का नाम दे देंगे। तो सिर्फ खाली डिफरेंस यही है कि सेंट्रल लेवल पे जो पीआईओ है वो सीपीआईओ कहला दिया जाएगा और जो स्टेट लेवल पे पीआईओ है वो एसपीआईओ कहला दिया जाएगा। ठीक है, फिर कुछ डिपार्टमेंट्स के कुछ सब डिविजनल लेवल्स भी होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे क्या होते हैं? सब डिविजनल लेवल्स भी होते हैं, और सब डिविजनल लेवल्स के लिए हम अपॉइंट करते हैं असिस्टेंट पीआईओ, जिसको हम नाम दे देते हैं एपीआईओ, असिस्टेंट पीआईओ।
अच्छा, जो ये असिस्टेंट पीआईओ होते हैं ना, ये सेंट्रल लेवल पे भी हो सकते हैं और ये स्टेट लेवल पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन वर्ड्स, इन एब्रीविएटेड वर्ड्स का ध्यान रखिएगा कि पीआईओ का मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सीपीआईओ का मतलब सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एसपीआईओ का मतलब स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि सीएपीआईओ, तो आप बोलेंगे सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और अगर मैं आपको बोल दूं एसएपीआईओ, तो आप बोलेंगे स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। वर्ड्स क्लियर है बच्चे? चल, तो अब हम मैनर को पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सन, अगर हम और आप आरटीआई की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम पब्लिक अथॉरिटी में वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। चल आइए देखते हैं। सबसे पहला मैंने देखिए क्या लिखा है। सबसे स्टार्टिंग में लिखा है कि अ पर्सन हु डिजायर्स टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट शैल मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। लाइक राइटिंग का मतलब क्या है कि आप लेटर का भेज रहे हो, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब क्या है कि आप आरटीआई की वेबसाइट पे जाते हो, आरटीआई गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाते हो और वहां पर आरटीआई की एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते हो। दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन कैन बी इन इंग्लिश और इन हिंदी और इन योर ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपके लोकल एरिया में चलती होगी, और इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया इन विच द एप्लीकेशन इज बीइंग मेड अलोंग विद द प्रिस्क्राइब फीस। फीस के रिगार्डिंग बच्चे ऐसे भी बोला जाता है कि अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, अगर आरटीआई का एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वो अपनी बिलो पॉवर्टी लाइन को एक्सप्लेन करेगा। लाइक वो प्रूफ देगा थ्रू इनकम सर्टिफिकेट दैट ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन, और उसके बाद उसको मिनिमम फीस भी पे करने की जरूरत नहीं है। नहीं है एक ऐसा पर्सन जो बिलो पॉवर्टी लाइन आता है, आरटीआई में उससे फीस नहीं ली जाती, ठीक है। कहते हैं आपको अब एक एप्लीकेशन भेजनी है, या तो इन राइटिंग या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, आपकी लोकल ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो सकती है। आप ये इंफॉर्मेशन भेज किसको रहे हो? तो कहते हैं पब्लिक अथॉरिटी को भेजेंगे, और पब्लिक अथॉरिटी में भी कौन रिसीव करेगा? पीआईओ। तभी देखो लिखा है विद प्रिस्क्राइब फीस टू सीपीआईओ अगर सेंट्रल लेवल पे है, एसपीआईओ अगर स्टेट लेवल पे है एज द केस में भी ऑफ द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी, या अगर सब डिविजनल लेवल है तो आप बोलोगे सीएपीआईओ सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और एसएपीआईओ स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो जिस भी कंसर्न पर्टिकुलर अथॉरिटी को आप भेजना चाहते हो, उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के पीआईओ के पास वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन चली जाएगी, ठीक है। ध्यान ये रखिएगा, आरटीआई एक्ट आपसे ये कहता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी से डिमांड करते हो, आपको उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को क्यों चाहिए इसका रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है। आप आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को डिमांड करते हो, तो पीआईओ या वो पब्लिक अथॉरिटी का कोई भी कंसर्न पर्सन इज नॉट अलाउड टू आस्क फ्रॉम यू कि फॉर विच पर्पस यू नीड दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विच यू हैव डिमांडेड। आपसे कभी भी इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के पर्पस के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, सिर्फ आपकी उतनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको शेयर करनी होंगी कि जिससे आपको उस कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू रिप्लाई आ सके फ्रॉम दैट पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। चलो, तो देखो क्या लिखा है। एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीजन फॉर रिक्वेस्टिंग द इंफॉर्मेशन और एनी अदर पर्सनल डिटेल एक्सेप्ट दोज दैट मे बी नेसेसरी फॉर कॉन्टैक्टिंग। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन उनको देनी होगी जिनसे उनको कॉन्टैक्ट किया जा सके। किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, उस इंफॉर्मेशन का वो एप्लीकेंट क्या करेगा, ऐसा कुछ भी जवाब देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। देन थर्ड नंबर पॉइंट आता है कि अगर हमने किसी पीआईओ के पास एप्लीकेशन लगाई, लाइक हमने किसी एक पब्लिक अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगाई, और पीआईओ को लगता है कि जो एप्लीकेंट ने इंफॉर्मेशन डिमांड की है वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उस पीआईओ के पास नहीं है, बल्कि वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन तो दूसरी पब्लिक अथॉरिटी के पास है, तो ये पीआईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आरटीआई एप्लीकेंट की उस एप्लीकेशन को प्रॉपर पब्लिक अथॉरिटी तक ट्रांसफर किया जाए। तो इट्स लाइक कि अगर एक एप्लीकेंट है, मैं ऐसे यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, एक एप्लीकेंट है और उस एप्लीकेंट ने एक पब्लिक अथॉरिटी वन पे एक एप्लीकेशन लगा दी और उनसे कुछ इंफॉर्मेशन डिमांड की। पब्लिक अथॉरिटी वन का पीआईओ कहता है कि जो इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट डिमांड कर रहा है वो उनके पास नहीं है, वो तो बल्कि पब्लिक अथॉरिटी टू के पीआईओ के पास होगी। तो वो क्या करता है, पब्लिक अथॉरिटी वन का पीआईओ उस पर्टिकुलर आरटीआई एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को खुद ही ट्रांसफर कर देता है, किसके पास? पब्लिक अथॉरिटी टू के पीआईओ के पास, और फिर वहां से वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन किसको दी जाती है, आरटीआई एप्लीकेंट को, ठीक है। तभी देखिए क्या लिखा है कि
वेयर एन एप्लीकेंट एप्लीकेशन इज मेड टू अ पब्लिक अथॉरिटी रिक्वेस्टिंग फॉर एन इन्फॉर्मेशन विच इज हेल्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी. एप्लीकेंट एप्लीकेशन लगी किसी और पब्लिक अथॉरिटी को बट जो इन्फॉर्मेशन डिमांड की गई है वो किसी दूसरे पब्लिक अथॉरिटी के पास है. तो और द सब्जेक्ट मैटर विच इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शन ऑफ अनदर पब्लिक अथॉरिटी, तो क्या होगा? पहली वाली पब्लिक अथॉरिटी, द पब्लिक अथॉरिटी टू विच सच एप्लीकेशन इज मेड शैल ट्रांसफर द एप्लीकेशन और सच पार्ट ऑफ इट एज ए मे बी अप्रोप्रिएट टू दैट अदर पब्लिक अथॉरिटी एंड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट इमीडिएटली अबाउट सच ट्रांसफर. और तुरंत पहला पब्लिक अथॉरिटी का जो पीआईओ होगा वो एप्लीकेंट को बता देगा कि हमने आपके दूसरी पब्लिक अथॉरिटी में एप्लीकेशन ट्रांसफर कर दी. अच्छा, ऐसा होने में कुछ अलग नहीं होगा, बस ध्यान ये देना होगा कि 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मांग लिया जाएगा. मांग लेने का मतलब क्या है कि वैसे आरटीआई की एप्लीकेशन का जवाब आ जाता है विद इन 30 डेज, बट अगर एक पीआईओ किसी दूसरे पीआईओ से इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो इन दैट सिचुएशन 5 डेज का एक्सटेंशन दे दिया जाता है. तब यहां पे लिखा है, हाउएवर द ट्रांसफर ऑफ एन एप्लीकेशन शैल बी मेड एज सून एज प्रैक्टिकेबल बट नॉट लेटर देन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन. तो पहला वाला पीआईओ 5 दिन से ज्यादा डिले नहीं करेगा दूसरे पीआईओ तक एप्लीकेशन ट्रांसफर करने में. इसीलिए हम बोलते हैं कि वैसे एप्लीकेशन का जवाब आ जाता है 30 डेज, बट अगर दूसरे पीआईओ के पास ट्रांसफर हो रहा होगा तो 5 दिन का ये जो एडिशनल टाइम दिया गया है जिसकी वजह से अब जवाब आने में 35 डेज भी लग सकते हैं. तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैनर समझ में आ गया होगा. अगर हम इस मैनर की बात करें तो दिस पर्टिकुलर मैनर इज गिवन इन द सेक्शन 6, बट कोट करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी काम चलेगा, बट ये पर्टिकुलर प्रोसेस आपको ऐसे ही लिखनी होगी. तो इस प्रोसेस को फटाफट से अगर हम रिवाइज करें तो पहले आपको एक एप्लीकेशन देनी है, वो राइटिंग में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है. लैंग्वेज के बारे में आपने पढ़ा, किसको देनी है? पब्लिक अथॉरिटी को देनी है. पब्लिक अथॉरिटी अगर सेंट्रल लेवल पे है तो सीपीआईओ को, स्टेट लेवल पे है तो एसपीआईओ को, अगर सब डिविजनल लेवल पे है तो असिस्टेंट पीआईओ के पास जाएगी वो एप्लीकेशन. सेकेंड नंबर, जब आप एप्लीकेशन लगाते हो तो आपको किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो एप्लीकेशन में मांगी हुई इंफॉर्मेशन चाहिए ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप उतनी डिटेल शेयर करोगे जिससे कि वो पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी आपसे कॉन्टैक्ट कर सके फॉर प्रोवाइडिंग यू द रीजनेबल इंफॉर्मेशन. ठीक है, थर्ड नंबर पे हम ऐसे बोलते हैं कि अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है जिस पर्टिकुलर पीआईओ से, अगर वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उस पीआईओ के पास नहीं है तो वो पीआईओ जिस भी पर्टिकुलर पर्सन पब्लिक अथॉरिटी के पास वो इन्फॉर्मेशन होगी वहां पर आपकी एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेगा एंड ही नीड टू ट्रांसफर सच एप्लीकेशन नॉट लेटर दैन 5 डेज, 5 दिन के अंदर अंदर उसको ऐसा कर देना होगा. तो ये हमारा था बच्चे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. और पहला क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स सेकेंड नंबर क्वेश्चन. और सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, पहले हम थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, सेकेंड वाला नहीं कर रहे क्योंकि वो इसी से मिलता जुलता है. अब ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है. तो कहते हैं, लिखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग पेनल्टीज विच कैन बी इम्पोज ऑन पीआईओज अंडर सेक्शन 20 ऑफ आरटीआई. कहते हैं कि आप ये जिस पीआईओ से इंफॉर्मेशन मांग रहे हो क्या उस पीआईओ के ऊपर किसी तरीके की कोई पेनल्टी इंपोज हो सकती है, और अगर हो सकती है तो वो आरटीआई एक्ट के सेक्शन 20 में एक्सप्लेन की गई है. सर, हम पीआईओ पे क्यों ही पेनल्टी इंपोज करवाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है, सपोज कि बीइंग अ आरटीआई एप्लीकेंट, सपोज हम और आप एक आरटीआई एप्लीकेंट है और हमने पीआईओ से कोई इंफॉर्मेशन मांगी बट पीआईओ ने हमको उस इंफॉर्मेशन को देने से इनकार कर दिया. हमने पीआईओ से इंफॉर्मेशन मांगी, पीआईओ ने हमको गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर दी. हमने पीआईओ से इंफॉर्मेशन मांगी, पीआईओ ने हमको सिर्फ आधी ही इंफॉर्मेशन भेजी, आधी इंफॉर्मेशन छुपा ली. हमने पीआईओ से इंफॉर्मेशन मांगी, पीआईओ ने कोई जवाब ही नहीं दिया. कहने बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है. मैंने पीआईओ से इंफॉर्मेशन मांगी, पीआईओ ने मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसने मना कर दिया कि हम आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते विदाउट एनी जस्टिफाइड ग्राउंड कि क्यों नहीं कर सकते. कोई रीजन नहीं दिया और हमारी इन्फॉर्मेशन को हमको प्रोवाइड नहीं किया गया. ठीक है, मतलब एक तरीके से हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई. सेकेंड नंबर पॉइंट, इन्फॉर्मेशन दी बट गलत इन्फॉर्मेशन दे दी. थर्ड नंबर पॉइंट, इन्फॉर्मेशन दी बट पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आधी इन्फॉर्मेशन दी. या फोर्थ नंबर पॉइंट में तो हद ही हो गई, हमने एप्लीकेशन लगाई, पीआईओ ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, ना रिजेक्शन ना एक्सेप्टेंस ना इन्फॉर्मेशन ना कुछ, कुछ जवाब ही नहीं दिया. तो इन दैट सिनेरियो अगर कभी भी कोई भी पर्टिकुलर आरटीआई एप्लीकेंट अगर पीआईओ के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होता तो देयर इज एन अथॉरिटी व्हिच इज टर्म्ड एज इंफॉर्मेशन कमीशन. आरटीआई एक्ट में एक अथॉरिटी बनाई गई, क्या नाम दिया गया? इंफॉर्मेशन कमीशन. ये इंफॉर्मेशन कमीशन बच्चे दोनों लेवल पे हैं, सेंट्रल लेवल पे भी हैं और स्टेट लेवल पे भी हैं. ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन है ना, ये
एक पीआईओ के अगेंस्ट ऑन जस्टिफाइड ग्राउंड्स पेनल्टी इम्पोज कर सकती हैं। अगर एक आरटीआई एप्लीकेंट को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, तो वो सीआईसी और एसआईसी, हम ऐसे बोलते हैं, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसको नाम देते हैं सीआईसी, और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उसको नाम देते हैं एसआईसी। तो सीआईसी एंड एसआईसी कैन इम्पोज अ पेनल्टी ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज टर्म्ड एज पीआईओ, अगर उसने प्रॉपर इंफॉर्मेशन आरटीआई एप्लीकेंट के साथ शेयर नहीं की। और वो जो पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 20 ऑफ आरटीआई एक्ट। उसी के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो कहते हैं, लिखा है, वेयर द सीआईसी, सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग एनी कंप्लेंट और अपील इज ऑफ द ओपिनियन दैट सीपीआईओ और एसपीआईओ, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हैज विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, बिना किसी रीजनेबल कॉज के, बिना किसी जस्टिफाइड रीजन के, क्या कर दिया उन्होंने, रिफ्यूज टू रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन, आरटीआई एप्लीकेशन रिसीव करने से ही मना कर दिया। सेकेंड नंबर, हैज नॉट फर्निश्ड इंफॉर्मेशन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, इंफॉर्मेशन दी बट एक बहुत टाइम पीरियड गैप के बाद, देनी थी 30 डेज में, दे रहे 70, 80, 90 डेज के बाद, विद इन टाइम लिमिट नहीं दे रहे। थर्ड, मैलाफाइडली डिनाइड द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मना कर दिया इंफॉर्मेशन देने से बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के, जानबूझकर। फोर्थ, नोइंगली गिवेन इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, दिया बट जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दी, आधी इंफॉर्मेशन दी या गलत इंफॉर्मेशन दे दी। एंड लास्ट, डिस्ट्रॉयड इंफॉर्मेशन विच वॉज द सब्जेक्ट ऑफ द रिक्वेस्ट और ऑब्स्ट्रक्टेड इन मैनर इन फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन दी बट आधी अधूरी दी, गलत तरीके से प्रेजेंट करके दी, जिससे पर्पज फुलफिल नहीं हो पा रहा आरटीआई एप्लीकेंट का। तो देर कैन बी सो मेनी रीजन, हम लोगों ने बहुत सारे रीजन पढ़े। अगर कोई भी ऐसा रीजन हुआ तो सीआईसी और एसआईसी उस पर्टिकुलर कंसर्न पीआईओ के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। कितनी? तो कहते हैं, पेनल्टी विल बी इंपोज, लिखा इट शैल इंपोज अ पेनल्टी ऑफ ₹250 ईच डे। कहते हैं ₹250 ईच डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। कब तक? टिल एप्लीकेशन इज रिसीव्ड और इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड, बट द टोटल अमाउंट ऑफ सच पेनल्टी शैल नॉट एक्सीड ₹25,000। कहते हैं, जब तक कंसर्न पर्सन को प्रॉपर टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाएगी, जितने भी दिन की डिले होगी, हर एक दिन का ₹250 के हिसाब से पेनल्टी इंपोज किया जाएगा। बट वो पर्टिकुलर ₹250 जो लग रहे हैं पर डे, वो मैक्सिमम ₹25,000 तक हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हजार तक? 25,000 तक। इट्स लाइक कि 100 डेज की डिले हो गई है। कितने दिन की? 100 डेज। तो तभी हो जाता है कि अगर हम 250 पर डे की बात करें, तो 100 डेज को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 25,000। बट अगर से 110 डेज की डिले हो गई है, तो भी पेनल्टी कितनी लगेगी? 25,000 ही लगेगी, क्योंकि उससे ज्यादा पेनल्टी का अमाउंट यहाँ पे इम्पोज नहीं हो सकता। सिर्फ खाली क्या पेनल्टी ही लगेगी? कहते हैं, एक पर्टिकुलर सीआईसी और एसआईसी को और पावर दी गई कि अगर उस पीआईओ के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, लेना है कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, तो दैट कैन ऑल्सो बी टेकन। पेनल्टी के साथ साथ पेनल्टी तो इम्पोज की ही जा सकती है। अगर सीआईसी और एसआईसी को लगता है कि दैट पर्टिकुलर पीआईओ जानबूझकर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, बार बार कंप्लेंट्स आ रही हैं, इन दैट सिचुएशन डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है उस कंसर्न पीआईओ और एसपीआईओ के अगेंस्ट। तभी नीचे देखिए लिखा हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम द अबव पेनल्टी, कि जो ऊपर वाली पेनल्टी दी है वो तो ठीक है, एसआईसी और एसआईसी कैन ऑल्सो रिकमेंड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सच सीपीआई और एसपीआई। पर ध्यान ये दीजिएगा कि कोई भी पेनल्टी या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, तो पीआईओ, जो भी कंसर्न पीआईओ जिसके अगेंस्ट ऐसा एक्शन लिया जा रहा होगा, उसको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात को रखने का। ऐसा नहीं होगा कि सीपीआईओ और एसपीआईओ को बिना पूछे ही, उनसे उनका उनका जस्टिफाइड ग्राउंड लिए बिना ही, उनसे बात किए बिना ही उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। राइट ऑफ बीइंग हर्ड, क्या राइट ऑफ बीइंग हर्ड, उनकी बात को भी सुना जाएगा, उनके कंटेंशन को भी सुना जाएगा। अगर उनका कंटेंशन फीजिबल नहीं हुआ, तो ही उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, अदरवाइज कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो वो ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हाउएवर सीपीआईओ और एसपीआईओ शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर एनी पेनल्टीज इम्पोज ऑन हिम, एंड द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही एक्टेड रीजनेबली एंड डिलिजेंटली शैल बी ऑन सीपीआईओ एंड एसपीआईओ। और सीपीआईओ एसपीआईओ अगर वो प्रूव कर देते हैं कि उन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी वही देनी चाहिए थी और उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो बच्चे हम लोग के दो क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए, दो क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए, एक मैनर ऑफ रिक्वेस्ट पता लग गया, और एक सेकंड नंबर पे हमको पेनल्टीज के बारे में भी पता चल गया। ठीक है, एक अभी हम लोग दो क्वेश्चन और भी हैं, सिंपल सिंपल से हैं, फटाफट से कर लेते हैं।
उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे जो पीछे छोड़ कर आए थे। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आरटीआई ऐप के डिफरेंट सेलियंट फीचर्स क्या है, वॉट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वॉट आर द डिफरेंट सेलियंट फीचर्स ऑफ आरटीआई एक्ट, मतलब आरटीआई एक्ट में ऐसा क्या है जो बहुत अलग कर देता है आरटीआई एक्ट बाकी सारे एक्ट से कंपैरिजन में। तो कहते हैं पहली पहला एक सबसे बड़ा राइट, एक बहुत बड़ा हथियार जो सिटीजन्स को दिया गया एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो क्या कि ऑल द सिटीजन्स शेल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास राइट है कि दे नीड इफ एनी इंफॉर्मेशन दे आर रिक्वायरिंग, तो वो आरटीआई एक्ट के थ्रू किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को डिमांड कर सकते हैं फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। अच्छा, सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज ही क्यों ली गई, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि बच्चे पब्लिक अथॉरिटी जो होती है ना उनमें पब्लिक का पैसा लगा होता है, और जब पब्लिक का पैसा लगा है तो गवर्नमेंट उस पब्लिक के पैसे को कैसे यूज कर रही है पब्लिक ये जानना चाहती है, और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी भी बनती है कि वो पब्लिक को बताए कि उनसे लिया हुआ पैसा गवर्नमेंट कहाँ यूज कर रही है। इस वजह से पब्लिक अथॉरिटीज को यहाँ पे कवर किया गया। तो ऑल सिटीजन आर हैविंग अ राइट कि दे आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन विच इज कवर्ड अंडर दिस आरटीआई एक्ट, वो मांग सकते हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से। सेकेंड नंबर बोला गया कि जो आरटीआई एक्ट है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, सेंसिटिव एरिया है, अभी वहां की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती क्योंकि वहां पे अभी ऐसा कहा जाता है कि अभी एटमॉस्फेयर इतना प्रोटेक्टेड मैनर में नहीं है, किसी भी इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो सकता है, इस वजह से जम्मू एंड कश्मीर पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, बाकी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया पे ये एक्ट वैसे ही अप्लाई होता है। ठीक है, थर्ड नंबर आया इट शेल अप्लाई टू ओनली पब्लिक अथॉरिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर एग्जाम में लिखकर आइएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर बोला गया कि हर एक पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी में पीआईओ या एपीआईओ होगा एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी द कंसर्न पर्सन जो हमारी आरटीआई एप्लीकेशन को रिसीव करेगा और उसका जवाब भी देगा। तभी लिखा कि पीआईओ एंड एपीआईओ विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डील विद द रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो टू असिस्ट पर्सन सीकिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी पर्सन इन्फॉर्मेशन मांग रहे उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा, जो भी इंफॉर्मेशन आप मांगेंगे उसकी प्रॉपर फीस आपको पे करनी होगी, तो फी विल बी पेबल बाय द एप्लीकेंट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सॉर्ट। आपकी अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है तो इंडायर सिचुएशन फीस उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। अगर आपकी इंफॉर्मेशन हार्ड कॉपी में आने वाली है और से 2000-3000 पेजेस की वो हार्ड कॉपी है तो नेसेसरी फोटोकॉपी के चार्जेस आपको पे करने होंगे, आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। ठीक है, फिर अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट के दो लिखे हैं, इन्हीं पे हम लोग अपने नेक्स्ट दो क्वेश्चन भी डिपेंड करने जा रहे हैं, तभी मैंने आपको पहले ही करा दिया ये पर्टिकुलर पॉइंट। अब यहां पे ऐसे बोला गया है कि सर क्या हम पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, किसी भी नेचर की इंफॉर्मेशन? तो कहते हैं किसी भी नेचर की इंफॉर्मेशन आप पब्लिक अथॉरिटी से मांग सकते हो, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 8। कहते हैं आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी दी हुई है जिनको आप डिमांड नहीं कर सकते। आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है, बट अगर आपकी मांगी हुई इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 में कवर हो जाती है तो पीआईओ आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, और वो आपको रीजन देगा कि एप्लीकेंट आरटीआई एप्लीकेंट द इंफॉर्मेशन विच यू हैव डिमांडेड इन योर आरटीआई एप्लीकेशन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 8, देयरफॉर ही इज एग्जेम्प्टेड, कि वो आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर ना करे। सेक्शन 8 और सेक्शन 9 दोनों ही एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन के बारे में है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट आता है कि कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज हैं लाइक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, रॉ। कहते हैं ये कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो इंडिया की सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स को होल्ड करती हैं, इंडिया की सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर सारा डेटा होता है। ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, या हम ऐसे बोलते हैं इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को, भले ही ये डिपार्टमेंट पब्लिक अथॉरिटी हैं बट फिर भी इनको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं होती, इनकी सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करते। एंड दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज गिवन अंडर सेक्शन 24। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 24 में। इसका मतलब आरटीआई एक्ट में दो इंपॉर्टेंट सेक्शन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, एक सेक्शन 8 और एक सेक्शन 24। सेक्शन 8 में एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन के बारे में, ये ध्यान जरूर रखिएगा, सेक्शन 8 में एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन है कि अगर आपने की मांगी हुई इंफॉर्मेशन सेक्शन 8 में है तो आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। सेक्शन 24 में क्या है? सेक्शन 24 में क्या है? कुछ पब्लिक अथॉरिटीज हैं
कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज में फॉल करते हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज में फॉल करते हैं, उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को ही एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि भाई आपको तो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी ही नहीं है अंडर सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 में तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो जो डिपार्टमेंट सेक्शन 24 में आ रहे होंगे ना, उन डिपार्टमेंट्स में तो एप्लीकेशन लगेगी ही नहीं। सेक्शन 8 में आपको ऐसे बोला गया पब्लिक अथॉरिटी में एप्लीकेशन लगाइए, बट अगर वो आपने जो इन्फॉर्मेशन डिमांड की वो सेक्शन 8 में आ गई, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम ना सेक्शन 24 करते हैं, देखते हैं भाई कि ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसी कौन कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनको सेक्शन 24 में कवर किया गया और उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि भाई आपके पास तो आरटीआई एप्लीकेशन लगेगी ही नहीं। अच्छा ध्यान से, सेक्शन 24 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 24 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी या किसी सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी को एग्जेम्प्ट कर सकता है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट। कोई भी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी या सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट इस आरटीआई की एप्लीकेबिलिटी से एग्जेम्प्ट कर सकता है, और जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट आरटीआई के एक्ट के प्रोविजन से अलग करना चाहती है उसकी लिस्ट दी हुई है इसी एक्ट के शेड्यूल 2 में। कहां दी हुई है? इसी एक्ट के शेड्यूल 2 में। तो सेक्शन 24 रेड विद शेड्यूल 2। जो लिस्ट हम पढ़ेंगे ना कि कौन कौन से इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसी हैं जिनको एग्जेम कर दिया गया है आरटीआई एक्ट के एम्बिट से, तो वो है शेड्यूल 2 में। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान से क्वेश्चन पूछिए, पहले तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है विच एजेंसीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, या सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन एग्जेम्प्टेड, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को ही एग्जेम कर दिया गया है फ्रॉम द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। व्हाट आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस, वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और क्या कोई भी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से नहीं ली जा सकती, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आइए हम लोग इसका आंसर पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। कहते हैं द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू, कहते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे किसके ऊपर, टू द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 2 ऑफ आरटीआई एक्ट, बीइंग ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन टू दैट गवर्नमेंट, और उस ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है तो वो आरटीआई के एम्बिट से बाहर हो जाती है, वो इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। हाउएवर, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मांगी जा रही है जो उस ऑर्गेनाइजेशन में करप्टिव एक्टिविटीज के रिगार्डिंग है, किसके रिगार्डिंग है, करप्टिव एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, या अगर उन ऑर्गेनाइजेशंस जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है अगर उनमें ह्यूमन राइट के वायलेशंस हो रहे हैं, कौन से वायलेशन, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन उन पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। तभी देखिए क्या लिखा है, हाउएवर द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एलिगेशन ऑफ करप्शन, करप्शन के आरोप लग रहे हैं, या ह्यूमन राइट्स वायलेशन, या आरोप लग रहा है ह्यूमन राइट वायलेशन का, तो इट शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड हियर, उस तरीके की इंफॉर्मेशन को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, वो इंफॉर्मेशन इन सारे डिपार्टमेंट्स को भी शेयर करनी पड़ेंगी। लेकिन ध्यान रखना ये जितने भी डिपार्टमेंट सेक्शन 24 रेड विद शेड्यूल 2 में फॉल करेंगे, इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस में पीआईओ या एपीआईओ नहीं होगा, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, देन सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बोलेगा, देन वो डिपार्टमेंट का कोई कंसर्न्ड पर्सन इंफॉर्मेशन शेयर करेगा रिगार्डिंग कौन सी, दो चीजें, करप्टिव एक्टिविटीज एंड ह्यूमन राइट वायलेशन। ठीक है, अभी देखो क्या लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन sought for is in respect of allegation of violation of human rights, the information shall only be provided after the approval of CIC. कहते हैं अगर एज सच ह्यूमन राइट वायलेशन की कोई एप्लीकेशन आ रही है या करप्टिव एक्टिविटीज के रिगार्डिंग कोई आरटीआई की एप्लीकेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन पहले सीआईसी के पास जाएगी, सीआईसी उसको अप्रूव करे कि हाँ इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना भी है या नहीं करना। अगर वो एक्सेप्ट करेगी तो फिर सच इन्फॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड विद इन 45 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट। तो जब भी वो एप्लीकेशन आई होगी उसके विद इन 45 डेज आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन कौन सी ऐसी सेंट्रल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनको शेड्यूल 2 में कवर किया गया, तो लाइक ऐसे लिखा हुआ है, पहले नंबर पर लिखा है आईबी, इट्स लाइक इंटेलिजेंस ब्यूरो,
आईबी का मतलब क्या हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ का मतलब क्या हो गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मेरे को लगता है कि रॉ के बारे में तो आपने सुना होगा, लाइक आपने मूवी देखी होगी टाइगर टाइगर जिंदा है, उसमें एक था टाइगर टाइगर जिंदा है, उसमें रॉ के बारे में बताया गया है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो तो जगह जगह बहुत सारी मूवीज में आपने न्यूज में भी सुना होगा। इसके अलावा देखिए लिखा है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जिसको हम ईडी के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसको हम एनसीबी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा देखिए लिखा हुआ है एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, और आपके कुछ ऐसे वर्ड जो आपसे बहुत फैमिलियर हैं लाइक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, इसके बारे में आप अभी पढ़ रहे होंगे क्योंकि जो ये इंडिया चाइना के बीच में क्लैशेस चल रहे हैं वहां पे जो फोर्स लगाई गई है वो फोर्स कौन सी है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, आईटीबीपी के ही सोल्जर्स वहां पे हैं, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। एनएसजी के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो लास्ट टू लास्ट ईयर में रिपब्लिक डे पे टाइम पे जो परेड होती है उस परेड में एनएसजी के कमांडोज ने भी परेड की थी, और उस टाइम पे पहली बार एनएसजी के कमांडोज ने एज सच परेड की थी ऑन इंडिया गेट रिगार्डिंग 26 जनवरी। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि सारे आपको नाम लर्न करने हैं तो बच्चे सारे नाम नहीं भी लर्न होंगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट यू नीड टू रिमेंबर एटलीस्ट 6 to 8 points, कम से कम 6 से 8 नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे। बहुत सिंपल सिंपल अगर आपको नाम याद रखें तो मैं आपको बताता हूँ, लाइक बीएसएफ आपको याद रहेगा, सीआरपीएफ याद रहेगा, सीआईएसएफ याद रहेगा, इसके अलावा आईटीबीपी आपको याद रहेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो आपको याद रहेगा, और रॉ आपको याद रहेगा। तो 6 तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ईडी भी आपको याद रहना चाहिए, मेरे को लगता है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जो जो बच्चे ग्रुप 2 कर रहे होंगे, फेमा पढ़ रहे होंगे, उन्होंने ईडी के बारे में बहुत पढ़ा होगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको सेक्शन 24 रेड विथ शेड्यूल 2 के कंपेरिजन में अगर हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको क्या कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया, और इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आरटीआई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ और भी हैं उनको भी पढ़ लेते हैं, फटाफट खत्म करते हैं इसको। देखिए क्या लिखा है कि आसाम राइफल्स स्पेशल सर्विस ब्यूरो स्पेशल ब्रांच दैट इज सीआईडी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, और फिर क्राइम ब्रांच ऑफ दादर एंड नागर हवेली, एंड एट द लास्ट स्पेशल ब्रांच लक्षद्वीप पुलिस। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको क्या कर दिया गया है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो आपको यू नीड टू कम से कम 8 points तो कम से कम आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ 8 तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस तो आपको एटलीस्ट याद रहने ही चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेक्शन 24 समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे 4 क्वेश्चन बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं, 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, नाउ वी आर मूविंग टू अहेड टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आने जा रहे हैं सेक्शन 8 पे, और ध्यान का सेक्शन 8 क्या कहता था कि सेक्शन 8 कहता है कि आप पब्लिक अथॉरिटी में आरटीआई एप्लीकेशन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लगाइए, बट ध्यान ये रखिएगा कि आपकी मांगी हुई इंफॉर्मेशन अगर सेक्शन 8 में फॉल कर गई तो उस पब्लिक अथॉरिटी का पीआईओ आपको वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। कहते हैं ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे देखिए क्या लिखा है, पहले तो क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं पहले तो, कि क्वेश्चन क्या है, तो लिखा है व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, वहां पे था व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस सेक्शन 24 में, यहाँ पे है व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर आरटीआई एक्ट। तो पहले नंबर पे ऐसे बोला कि देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी सिटीजन, किसी भी तरीके की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है पीआईओ के ऊपर, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के पीआईओ के ऊपर, अगर उससे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी गई है जो इनमें फॉल करती है सेक्शन 8 में तो वो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा। कहते कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो कहते पहले नंबर पे देखो क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन ऐसी मांगी गई है जो इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट पहुंचा सकती है, इट्स लाइक के इट कैन ब्रीच द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो इंडिया सिचुएशन वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। अभी लिखा है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड प्री जुडिशली अफेक्ट, इट्स लाइक एडवर्सली अफेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की साइंटिफिक डिटेल्स नहीं दी जाएंगी अगर उसको लगता, अगर ऐसा लगता है कि दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैन हार्म द गवर्नमेंट्स एक्टिविटीज, तो इंटायर सिचुएशन वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। तो पहले नंबर पे क्या बोला, द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सेकंड नंबर पे सिक्योरिटी
स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, या थर्ड नंबर पे लिखा है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन शेयर हुई तो किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस बिगड़ सकते हैं, तो थर्ड नंबर पे लिखा है इट कैन प्री जुडिशली अफेक्ट द रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और इट मे लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे कि वो पर्टिकुलर पर्सन या कोई पर्टिकुलर भीड़ भड़काऊ हो सकती है किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 8 और वो आपको डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। तो सेक्शन 8 बेसिकली ऐसे बोलता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो आपने डिमांड की और अगर वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो ऐसा लगता है कि इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे फर्क पड़ेगा, सिक्योरिटी पे फर्क पड़ेगा, लाइक साइंटिफिक, रेवेन्यू, इकोनॉमिकल, किसी भी तरीके से। थर्ड नंबर ऐसे बोला गया कि आपको जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ टर्म्स खराब हो सकते हैं, या एट द एंड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे ऑफेंस कमिट करने के लिए हो सकता है कि भड़काऊ के तौर पर यूज किया जाए, भड़काने के तौर पर यूज किया जाए, तो उस इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, देन कम्स द सेकेंड नंबर इन्फॉर्मेशन, और बोलते हैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप डिमांड कर रहे हैं जो किसी कोर्ट ने मना की है कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। कुछ केसेस बहुत सेंसिबल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वहाँ पे कोर्ट मना कर देती है कि ये इन्फॉर्मेशन कोर्ट से बाहर नहीं जानी चाहिए, तो वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फिर किसी को भी शेयर नहीं की जाती। तभी देखो लिखा है इन्फॉर्मेशन विच हैज़ बिन एक्सप्रेसली फॉरबिडन, एक्सप्रेसली साफ साफ मना किया गया है, रोक दिया गया है, टू बी पब्लिश बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, तो दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी शेयर्ड अंडर आरटीआई एप्लीकेशन। ठीक है, थर्ड नंबर पे लिखा है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको डिस्क्लोज करने की वजह से ब्रीच हो जाएगा, किस चीज का ब्रीच हो जाएगा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का या लोकसभा या राज्यसभा का ब्रीच हो जाएगा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे कि इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट में कोई ब्रीच हो सकता है, जो प्रिविलेजेस उनको मिल रहे हैं उसमें ब्रीच हो जाता है, तो दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी शेयर। ये सारी इन्फॉर्मेशन ना बच्चे बहुत सेंसिटिव है, लोकसभा राज्यसभा की इन्फॉर्मेशन इतनी ईजिली बाहर नहीं जाती, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हैं उनको अभी प्रोटेक्टेड मैनर में रखा जाएगा, जब वो पर्टिकुलर जब उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पर डिसीजन ले लिया जाएगा तो भले डिस्क्लोज कर दी जाए, बट अभी वो इनिशियल स्टेजेस पर डिस्क्लोज नहीं की जाती क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती है। ठीक है, तो तीन तरीके की इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ ली, अभी और भी पढ़ देते हैं हम लोग, फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। मैं आपको पहले मार्क करवा देता हूँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप मांगना चाह रहे हैं फोर्थ नंबर पे, कि अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाए तो ब्रीच हो जाएगा रिगार्डिंग ट्रेड सीक्रेट, लाइक एक पर्टिकुलर पर्सन है उसका एक बिजनेस चलता है और उसके उस बिजनेस का जो ट्रेड सीक्रेट है आप उस ट्रेड सीक्रेट की डिमांड कर रहे हो, तो कहते हैं जो ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं ना, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, कोई आप ऐसी इंफॉर्मेशन की बात डिमांड कर रहे हो जो कमर्शियल कॉन्फिडेंस है, कमर्शियल कॉन्फिडेंस का मतलब है कि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही उसका बिजनेस चल रहा है, तो वो आपके साथ अपने बिजनेस के सीक्रेट शेयर नहीं कर सकता। तभी लिखा है कि इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और अगर ऐसा कुछ डिस्क्लोज हो गया तो कंपटीशन मार्केट में आ जाएगा, तो इन दैट सिचुएशन ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। लाइक आप कोका कोला में लगा रहे हो या किसी पेप्सी कंपनी में लगा रहे हो कि बताओ आप पेप्सी में बनाते कैसे हो, तो वो अगर अपना केमिकल फॉर्मूला ही बता देंगे तो फिर आप भी वैसी कोल्ड ड्रिंक बना लोगे, तो फिर आपके में और उनके में फर्क क्या रह जाएगा। इस वजह से ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ट्रेड सीक्रेट्स के नाम से जानी जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के नाम से जानी जाती है, उनको शेयर करना एज सच कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है, आप ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। ठीक है, फिर लिखा है कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है फिफ्थ नंबर पे जो आपको फॉरेन गवर्नमेंट ने दी है कॉन्फिडेंस मिला के, लाइक आपको वो इंफॉर्मेशन मिली फॉरेन गवर्नमेंट से, तो आप अपने अपने सिटीजन्स को अभी वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो फॉरेन गवर्नमेंट ने सिर्फ आपकी गवर्नमेंट के साथ शेयर की। ठीक है, तभी लिखा इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कहते हैं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको अगर डिस्क्लोज कर दिया जाए तो किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ को थ्रेट हो सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। लाइक एग्जाम्पल, आप ऐसा बोल रहे हो कि लाइक आपने उरी मूवी देखी, तो उरी मूवी जब हम देखते हैं ना तो ऐसे ही बोलते हैं कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ना बहुत सारे खबरी होते हैं, अब आप उनसे कह रहे हो कि भाई हमको अपने खबरी की डिटेल दे दो, भाई वो अपने खुफिया एजेंट्स के, अपने सीक्रेट एजेंट्स के, अपने खबरियों की अगर खबर ही दे देंगे तो फिर वो खुफिया कहाँ रह जाएंगे, फिर वो सीक्रेट कहाँ रह जाएंगे, तो ऐसी इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज नहीं करते। और अगर उन खबरियों की इंफॉर्मेशन हमने दे दी तो लोग दुश्मनी भी निकाल सकते हैं जिनको उन खबरियों की वजह से सजा मिली होगी। तभी यहाँ पे लिखा इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, या और आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और असिस्टेंस गिवन इन कॉन्फिडेंस फॉर लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी पर्पस। उस पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल्स हमने इसीलिए छुपाई हुई हैं क्योंकि अगर उसको उस पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल पता लग गई तो वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है।
तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं करते। देन उसके बाद आ रहा है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है, जैसे हम लोग देखते हैं ना बहुत बार मूवीज में देखते हैं, तो पुलिस पुलिस ऐसे बोलती है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते, जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी तब हम आपको सारी डिटेल्स देंगे। तो अगर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो जो ऐसे केस से रिलेटेड है विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को आपके साथ डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा जब तक पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो नहीं जाए। तभी लिखा कि इन्फॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोसेस, लाइक आपने वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको दे दी गई तो आप इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा बन सकते हैं। तभी लिखा इन्फॉर्मेशन विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अप्रिहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंडर, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्क्लोज नहीं की जाती। लास्ट दो इन्फॉर्मेशन बची और बोला गया कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं अगर वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो जो उनके कैबिनेट पेपर्स हैं उनको भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तभी लिखा कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स। तो जो भी मिनिस्टर्स, काउंसिल मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके बीच में जितने भी डॉक्यूमेंटेशन सर्कुलेट हो रहे हैं, जब तक उनकी मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो जाती, जब तक वो अपनी मीटिंग में कोई प्रॉपर डिस्कशन करके डिसीजन नहीं ले लेते, तब तक वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स बाहर लीक नहीं होते, नहीं लीक होते। हाँ, एक बार अगर डिसीजन ले लिया गया है तो जिन ग्राउंड्स पे डिसीजन लिया गया उनके बाद उन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कर दिया जाता है, अब वो सीक्रेट नहीं रहते, अब आप एप्लीकेशन लगा सकते। एंड द लास्ट पॉइंट कम्स कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के किसी पर्टिकुलर पर्सन की कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन मांग रहे हो जो प्राइवेसी हार्म करे उस पर्टिकुलर पर्सन की, तो दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन विल नॉट बी। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की आप पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते थ्रू आरटीआई। लास्ट में इसलिए लिखा है इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट। और क्योंकि हर एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी लाइफ में प्राइवेसी के साथ जीना चाहता है तो उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को हम शेयर नहीं करते। तो इसका मतलब इन शॉर्ट हम ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आपने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई है और उस आरटीआई एप्लीकेशन में आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांग ली जो इस सेक्शन 8 में फॉल करती है, तो वो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं की जाएगी, बिल्कुल नहीं की जाएगी। आ रही बस समझ में? तो ये था बच्चे सेक्शन 8। तो नाउ वी हैव कवर टोटल 5 क्वेश्चंस। पहले नंबर पे हम लोगों ने बोला, एक क्वेश्चन कंप्लीट किया कि एक पर्टिकुलर आरटीआई एप्लीकेशन लगानी है तो व्हाट विल बी द मैनर ऑफ फाइलिंग दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। सेकंड नंबर पे हम लोगों ने बोला कि अगर पीआईओ और कोई भी पीआईओ, भले सेंट्रल लेवल पे हो भले स्टेट लेवल पे हो, अगर वो अपनी पावर्स का मिसयूज करता है या प्रॉपर यूज नहीं करता तो क्या हम पेनल्टी लगा सकते हैं? यस, अंडर सेक्शन 20 उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट आर द डिफरेंट सेलियंट फीचर्स ऑफ आरटीआई एक्ट, बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट दो क्वेश्चन कवर किए, एक सेक्शन 24 रेडविल शेड्यूल 2 और एक अभी हम लोगों ने कवर किया सेक्शन 8। अच्छा, एक सेक्शन 9 हम लोगों ने बोला था ना, मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ सेक्शन 9 है क्या एक्चुअल में। कहते हैं अगर आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी है जिसकी वजह से किसी का कॉपी राइट इंफ्रिंज हो जाए, लाइक एक पर्टिकुलर पर्सन है और उसने अपने कंटेंट पे कॉपीराइट लिया हुआ है और आप उसकी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो जिसका कॉपीराइट ऑलरेडी किसी पर्सन के पास है, और अगर वो उससे बिना पूछे वो इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो बोल दिया जाएगा इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाता जिसका ऑलरेडी कॉपीराइट हो चुका है। ठीक है, तो वो थी सेक्शन 9 में। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिनको हम प्रोटेक्टेड मैनर में रखते हैं और सेक्शन 8 में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखते हैं, और ये इंफॉर्मेशन हम कभी भी शेयर नहीं करते। तो दिस वॉज द होल चैप्टर आरटीआई एक्ट जो आपके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन कवर करता था। इस पर्टिकुलर चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोगों ने आपस में डिस्कस किए। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कल वाली वीडियो में कवर करेंगे और मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी हूँ। तो हम लोग फिर कल मिलेंगे वापस से सेम टाइम पे, अगेन हम लोग एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए लास्ट 3 वीडियोज भी रिवाइज करिएगा और इस पर्टिकुलर वीडियो को भी अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है बच्चे, चलो टिल देन गुड बाय।